आप ठीक हो? आज एक और वीक ऑफ है और इस वीक ऑफ में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए घर की। और साफ सफाई करते वक्त मुझे कुछ पुरानी चीज़ें मिली जो मैं 10th 11th 12th के टाइम पे यूज़ करता था, और मेरी हैबिट थी कि मैं चीज़ों को स्टोर कर रखता था। जिसमें से मुझे अपना एक चाइनीज़ फ़ोन मिला जिसको मैं यूज़ किया करता था। दिस इज़ द कवर, एक्चुअली फ़ोन नहीं मिला, कवर बॉक्स मिला, जिसके पीछे मैंने कितने रुपए में लिया था और कब लिया था मैं वो शेयर करता हूँ। यू कैन सी, इसको मैं 1/8/2014 में लिया था और 700 रुपये मैंने लिया था। तो उस टाइम पे मैं इस प्राइस पे इसको परचेस करके यूज़ कर रहा था, और उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2014 मीन्स 12th पास करने के बाद जब मैं गैपिंग ईयर में था, तब के टाइम पे मैं इस टाइप के फ़ोन को यूज़ कर रहा था। फ़ोन का नाम है पेल, एक चाइनीज़ फ़ोन है। इस टाइम पे इसके जो स्पीकर्स थे बहुत ही ख़तरनाक टाइप की आवाज़ करते थे भाई, मज़ा आ जाता था सुनने में गाने वाने। हालांकि मैं गाने उस टाइम पे इतने लाउड साउंड के साथ नहीं सुनता था। और मैंने उस टाइम पे एक और फ़ोन यूज़ किया था, मेरे को याद आ रहा है, वो भी एक चाइनीज़ फ़ोन था, उसमें 4 सिम लगते थे। आई डोंट नो कि मैं 4 सिम का क्या कर रहा था, 4 सिम तो मैंने उसमें यूज़ किया नहीं था, बट फिर भी उसमें 4 सिम लगते थे। दूसरा चीज़, ये बॉक्स, ये बॉक्स बेसिकली 2006 के आसपास का होगा, जब मैं क्लास 6 में था तब पढ़ता था। एक्चुअली इसमें कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, लेट मी चेक। ओके, तो इस बॉक्स में मेरे साथ जो है रखा हुआ चीज़ वो है रक्षाबंधन के राखीज। तो मैंने अभी तक जितने भी राखी सेलिब्रेट की है अपने सिस्टर के साथ, और जितनी भी राखी मेरी सिस्टर ने मुझे बांधी है, वो सारी राखी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ। यू कैन सी कितनी राखीज है। ये एक तो टूट गया है, 8 या 9 राखी है जो मैं पिछले 2006 से शायद फॉलो कर रहा हूँ, तब की राखीज ये सारी रखी पड़ी, इतनी सारी राखीज मेरे पास है। और एक और बॉक्स नटराज का, उस समय नटराज के बॉक्स के दीवाने हुआ करते थे सारे बच्चे। क्या आप भी, आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपने नटराज का बॉक्स यूज़ किया है, क्या आपको, क्या आपके पास आपके बचपन की जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज है। ओके, यू कैन हैव अ लुक इसमें अभी। ओ हो हो, अच्छा इस वाले का तो बड़ा ही मस्त तरीके से यूज़ किया करते थे, धूप में जा कर के जूते के ऊपर फोकस करते थे सनलाइट को, ताकि जूता जल सके। ओके, अब कुछ और भी चीज़ें शेयर करने को। ये है रेडमी 4A का कवर, जो बेसिकली मैं रेडमी 4 मैंने कब यूज़ किया था, ये मैंने यूज़ किया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और उस टाइम का कवर है। अभी ये सारे साफ़ सफाई के टाइम पे जो चीज़ें मिल रही हैं, इन सभी चीज़ों को बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको स्टोर करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को एक्चुअली मैं साइड कर रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें निकल सके। और जो बेकार चीज़ें हैं, जो कवर हो गए, फालतू चीज़ें मैंने अलमीरा में भर के रखा हुआ है, वो सभी चीज़ फेंक सकूँ, क्योंकि यूटिलाइज़ तो हो नहीं सकते इन कवर को, और मम्मी इन चीज़ों को देखने वाली नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2014-2021, 7-8 साल से स्टोर में रखा पड़ा, क्या कर रहा हूँ मैं। ओहो, ये है डिक्शनरी, यहाँ पे गोपाल लिखा हुआ मिलेगा आपको, शायद इस साइड से दिख जाए, इस साइड से दिख जाए। ये 2006 की डिक्शनरी है, जब मैं क्लास 6 में हुआ करता था, तब मैं बेसिकली इस डिक्शनरी को डेली बेसिस पे पढ़ता था, डेली कुछ ना कुछ वर्ड यूज़ करता था। और इससे अलावा कई और सारे डिक्शनरी हैं, बट ये वाला डिक्शनरी मेरा फेवरेट हुआ करता था। और ये वाला डिक्शनरी मेरा फेवरेट होने के पीछे रीज़न भी था, क्योंकि इसको मैंने स्पेशली सरस्वती पूजा के टाइम पर मैंने लिया था। और आपको पता है कि सरस्वती पूजा के टाइम पर अपने यहाँ पर कोई भी चीज़ लो, उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ है। आपको कुछ और भी बैचेस वगैरह दिखाऊँ, मैं कुछ आपको माला दिखाता हूँ, माला मतलब ये सारे माला। ओहो, इतने सारे मैंने कलेक्शन किए अपने कॉलेज के टाइम पे, कई सारे इसके अलावा और भी कई सारे जो बेसिकली फेंक चुके हैं, ये कुछ बचा कुचा रह गया है जो अभी तक अपने पास है। ओके, अब ये डायरी देखो। ओहो, ये बेसिकली क्या है, इसमें 2 डायरी है। स्कूल के टाइम पे क्लास 6 में कुछ किताबें इंग्लिश में पढ़ी थी, माई डायरी करके कुछ टॉपिक का नाम था, आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर नेम एग्जैक्टली। उसमें बच्ची एक होती है जो बेसिकली डायरी लिखने को
हमेशा प्रभावित होती है कि उसको डायरी लिखना अच्छा लगता है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद टीचर ने बोला था कि डायरी लिखना बहुत ही अच्छी हैबिट है। तो मैंने 4-5 साल तक फॉलो किया था, इसमें 3-4 डायरी फुलफिल किया, उसमें 2 डायरी मेरे पास बची हुई है जिसपे मेरी कहानियाँ लिखी हुई है कि मैं क्या कर रहा था। और ये सारी ये डायरी में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मैंने फॉलो की तब तक जब तक मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैंने इसको फॉलो किया, सेकंड ईयर के बाद से तो फिर धीरे धीरे क्या ही पर डे होता है नहीं होता है, कॉलेज घर और गेम बस इतना ही, इसके बाद तो काम ही ख़त्म हो गया। आप ये भी कमेंट करके बताओ कि क्या आपने कभी डायरी वगैरह फॉलो किया है, लिखना वगैरह प्रेफर किया है। हाँ, दोनों के दोनों पड़े हुए अभी तक। तो ये सारे मेरे स्टोर बॉक्स में मिल रहे हैं मुझे, इसके अलावा और देखते क्या क्या मिलता है। जस्ट होल्ड ऑन, इतने सारे किताबें हैं जो बेसिकली मिली है। अब हर किताबों के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। और ये किस टाइप की किताबें मैं आपको बताता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ कैमरे को, तो अब ये सारी जो किताबें आपको दिख रही हैं गायत्री परिवार से रिलेटेड कई सारे किताबें जो मेरे पास पड़ी हुई है, जो बेसिकली उस टाइम पर पढ़ा करता था। आसानी से शांति की ओर, ओम प्रकाश अग्रवाल की तरफ से। ये किताब मेरा एक बहुत ही अच्छा किताब रहा है, 121 साइंस गेम्स एंड ट्रिक्स। ये क्लास 8 के टाइम पे मैंने लिया हुआ था, तब के टाइम पे इसमें बेसिकली कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं जो बेसिकली साइंस रिलेटेड है। ओहो, इसके बीच में कुछ फोटोज निकल रहे हैं, ये देखो बचपन के शौक। और ऊपर उधर छज्जे में काफ़ी सारी किताबें हैं जो बेसिकली अभी भी मैं निकाल के पढ़ता हूँ। उसमें कई सारी मोटिवेशनल्स बुक हैं, और फिर आपको नॉवेल्स मिल जाएंगे, लव स्टोरीज मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ है। साथ ही साथ आपके स्कूल के कॉलेज के कई सारे बुक्स वगैरह यहाँ पे अभी तक अवेलेबल है मेरे पास। तो आप गाइस बता सकते हो कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, कि आपने अपने पुरानी मेमोरीज को अभी तक निकाल करके देखा है कि पुरानी मेमोरीज के पास क्या है क्या नहीं है, कैसे बेसिकली आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो। और मेरे पास एक फोटो एल्बम भी है, मैं फोटो एल्बम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में शेयर करूंगा, जहाँ पे मैं अपने बचपन की फोटोज से लेकर के टिल नाउ तक की फोटोज, टिल नाउ क्या मतलब 2014 तक की जो फोटोज है वो मैं शेयर करूंगा। और उस समय वो DSLR वाला कैमरा नहीं होता था, उस समय होता था वो रील्स वाला कैमरा जिसमें बेसिकली रील वगैरह डालते थे, ब्लैक कलर का आता था और उसको फिर फोटो वॉश करवाते जाकर स्टूडियो में, उस टाइप का कुछ होता था। अच्छा, एक और चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ये बेसिकली एक्सरे मशीन है, सॉरी एक्सरे का ये आउटपुट है। ये एक्सरे 2000 मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर कब का है, बट आई गेस 2009, जब मैं क्लास 9th वगैरह में था, 2009 के आसपास में नदी में जब नहाने गया था, उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा जंप वगैरह करते थे, कभी ऊपर से कूद लिया, कभी बैक फ्लिप कर लिया, कभी फ्रंट फ्लिप कर लिया। तो वन डे आई वॉज ट्राइंग टू डू 2 times फ्लिप इन एयर, तो 2 बार फ्लिप करने की कोशिश करते एयर में, तो काफ़ी ऊंचा, मतलब एक आदमी से ज़्यादा ऊंचा है, मतलब 8-10 feet की ऊंचाई से मैं नीचे कूदना था, 2 बार हवा में फ्लिप करना था। अब 2 बार हवा में फ्लिप करने के चक्कर में क्या हुआ, पहली बार ट्राई करता था और नीचे जहाँ पे था वो बालू था, तो बालू में वैसे कुछ होना नहीं था, लेकिन ये नहीं पता था कि बालू के जस्ट नीचे जो पत्थर है, मैं छलांग लगाया और सेकेंड फ्लिप किया, तो सेकेंड टर्न कंप्लीट होने से पहले मैं सीधा कंधे के भर पे ऐसे गिरा। अब कंधे के जब बल पे मैं गिरा तो ये कंधा मेरा मोच खा गया, इसमें मोच आ गई, तो यही फिर एक्सरे वगैरह हुआ था, तो हालांकि हड्डी वगैरह नहीं टूटा, बस मोच आया था, बट उसकी वजह से 15 दिन तक मैं परेशान रहा था, क्यों, क्योंकि मोच है, हड्डी टूटा नहीं, परेशान परेशान एंड परेशान। मुझे फोटो एल्बम में एक बैक फ्लिप करते हुए, फ्रंट फ्लिप करते हुए की फोटो मिल गई, मैं आपको साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ये रहा वो फोटो, कुछ इस टाइप का, नदी में कूद रहे थे, तो ऐसा मतलब जंप वगैरह करते रहते थे। और अभी तो दादी के टाइम, दादी का बेसिकली आप जान रहे हो कि एक्सरे वगैरह भी हुआ ही है, तो दादी का जो कमर की हड्डी है वो बेसिकली टूट चुकी, जहाँ पर मैंने ब्लड डोनेट किया, वो भी वीडियो एडिट हो ही रही है, वो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एयरटेल और वोडाफोन का सिम कार्ड भी मेरे पास, अब इसके नंबर तो मुझे खुद नहीं पता होंगे, और ये ख़त्म भी हो चुका होगा अब तक। तो ये सारे शादी के कार्ड्स, हालांकि और भी काफ़ी सारे शादी के कार्ड्स आते थे, बट जब तक मैं घर में रहता था मैं क्या करता था, सारे शादी के कार्ड्स को भी कलेक्ट करके एक जगह रख लेता था। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए अपने डेली लाइफ में, डेली चीज़ों को बताने के लिए। तो एज ऑफ नाउ गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में आपको धार्मिक वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में और भी चीज़ों को शेयर करूँगा। एज ऑफ नाउ गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
ठीक है।